वीडियो साहब आवे छ नि देखै छ नि जाय छ नि वे तु देखियो गरीब दुखिया कोइ देखावला है भोट गरीब मुखिया जी के उधो चलिए है साहब आगो हम ही लड़ै छिए दू ढार मारियो का पांच ढार हम ही लड़ै छ हमरे खागरी भगाय दे छ खागरी भगाय दे छ नि गरीब का शौचालय हजूर यहाँ लोग बना ली है कर्ज ऋण से लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। लोग हम जब गांव घूमते हैं सर कहता है हमारा ब्याज बढ़ रहा हमारा सूद बढ़ रहा है व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं हमको रुपया नहीं दिलाते शौचालय हम सर क्या कर सकते हैं इसमें सूद पर लिए पाँच रुपये सकरा ले लिए लेटरिन बने लिए देखती हमारा कते सूद भए जेतै हम कहाँ से देबै गरीब लोग। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में शौचालय निर्माण में धांधली हो रहा है इतना धांधली आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नमस्कार मैं अभिषेक गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। आज मैं मुख्य सचिव पटना बिहार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्रियाकलाप की ओर। कारण यह है कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वहां की आम जनता ने अपनी पारिवारिक व दैनिक समस्याओं से जूझते हुए किसी तरह पैसे की व्यवस्था कर एवं कर्ज लेकर शौचालय तो बना लिया, लेकिन अब जब उक्त योजना की सरकारी राशि के भुगतान की मांग की गई तो प्रखंड के कर्मचारी द्वारा तरह तरह के कागजात एवं नियमों की बात कर लाभार्थी को टाल मटोल कर वापस कर दिया गया। इसी बात को लेकर जब लाभार्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार लाभार्थी के साथ किया। इसी क्रम में बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय उलझता ही गया। तब किसी तरह बात सामने आई कि यह सब कमीशन के लिए हो रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को किसी माध्यम से मिली तो विगत कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के नेतृत्व में वहां की जनता एवं जनप्रतिनिधि प्रखंड कार्यालय पर इन्हीं मांगों के साथ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, जिसकी खबर हमारे संवाददाता पंकज भट्ट द्वारा प्रसारित किया गया। तो हमारे चैनल के चीफ एडिटर मिस्टर मनन गोस्वामी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडारी राघवेंद्र त्रिपाठी से दूरभाष पर बात की, जिसमें उन्होंने अपने बचाव में सफाई देते हुए सारे आरोपों को निराधार बताकर इसे जनप्रतिनिधियों का साजिश बताया। आज समस्या यहां तक जा पहुंचा है कि अब जब लाभार्थी अपने निर्मित शौचालय की राशि का भुगतान लेने जाते हैं तो उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा धमकी दी जाती है कि तुम पर FIR कर जेल भेज देंगे। लाभार्थी निराश एवं भयभीत होकर वापस हो जाते हैं। यहां तक कि प्रेस के संवाददाताओं के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है एवं धमकी दी जाती है कि आप लोगों को जो करना है वह कर लीजिए, मुझे परवाह नहीं। इस तरह की अफसरशाही में राज्य सरकार की योजना गांव की गली तक पहुंच पाएगी इसकी परिकल्पना करना भी संभव नहीं लग रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के रवैये से वहां की जनता के साथ साथ वहां के मुखिया, वार्ड सदस्य, स्वच्छाग्राही सभी लोग परेशान हैं। आप ही बताएं क्या यही सुशासन है और कैसे चलेगा सुशासन? आइए आपको हम सारी घटनाओं की जानकारी वहां के लाभार्थी वार्ड सदस्य द्वारा दिए गए जानकारी से अवगत कराते हैं, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता मिस्टर पंकज भट्ट। आपको शौचालय मिल गया? मिल गया। पैसा मिल गया? जी नहीं, पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पैसा? कहाँ है आपका शौचालय? ये है सामने। ये जी हाँ। तो पैसा कहाँ से लाए जो बनाए? कर्जा ले। कर्ज लेके बनाए? जी हाँ। ब्याज पे? ब्याज पे पाँच रुपये से सैकड़ा पर लेके बनाए। अच्छा, पैसा ब्लॉक से नहीं मिला अभी तक? नहीं। क्यों नहीं मिला? अब सरकार ही जनता को क्यों नहीं मिला? आप ही को नहीं मिला कि और लोग को भी नहीं मिला? और लोग का की जानकारी मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं मिला। बहुत लोग को नहीं मिला। हम सूद पर पाँच रुपये सैकड़ा चलती, हम जरा कन कर्जा ले लिए ओकरा कन हम ब्याज। अच्छा, सूद पे लेके बनाए? हाँ, सूद पर लेके बोले लिए पाँच रुपये सैकड़ा ले लिए आ लेटरिंग बने लिए देखते हमारा कते सूद भए जेते हम कहाँ से देबे गरीब लोग। बताइए शौचालय कैसे बनाए? कर्जा लेकर बनाए हैं। कितना कर्जा लिए? 10-12 हज़ार रुपये। पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, हम लोग स्वस्थ हैं जिसकी वजह से हम कहीं जा फिर नहीं सकते। वीडियो साहब क्या बोलते हैं आप?
क्या बोलेंगे वो, आज ध्यान क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसका आपको पता नहीं लग रहा है कि वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। 2 महीना हो गया, 2 महीना से ज़्यादा हो गया है। पैसा जिसका लिए वो लोग बहुत बराबर तंग करता है, गाली के लोग इनका खुदा बोलते रहता है। बात तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मापदंड है, चूँकि पानी का भी है, बगल में चापाकल भी है, इधर टंकी भी है, डबल टंकी है, देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, प्लास्टर है, रंगा हुआ है, और क्या मापदंड निर्धारित करते हैं वीडियो साहब पूछते हैं। पेमेंट इसका भी शायद हुआ है कि नहीं हुआ है, पेमेंट हो गया नहीं हुआ है, कैसे बना लिए? अपना पैसा, अपना पैसा से बनाए हैं, किसी से कर्जा उर्जा नहीं लिए हैं, अपना पैसा से बनाए हैं। इसके विषय में आपके वार्ड सदस्य बोले वीडियो साहब को? जांच करके गए हैं, पेमेंट नहीं हुआ। इधर पैसा मिला? ना। पैसा नहीं मिला है? ना। पैसा मिला? ना। वीडियो साहब क्या बोलते हैं? कहा कि जो हमका कागज नहीं दिया। अच्छा, वार्ड नंबर 12 से हैं आप, पंचायत डंडारी? जी सर। क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। आप क्या हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जी सर। क्या स्थिति है आपके वार्ड में? शौचालय का? हाँ शौचालय बहुत गड़बड़ स्थिति है। क्या गड़बड़ है? पेमेंट नहीं हो रहा, सब लाभार्थी जाकर तंग करता है, दुकान से जाकर के क्या कहें। दिन भर में कितना गाली देता है आपको? पूछिए मत, अनगिनती गाली देता है। ये गाली किसके वजह से सुनते हैं? वीडियो साहब की वजह सुनते हैं। वीडियो साहब की वजह से? और क्या, पेमेंट नहीं करवाएंगे? उनका तो कहना है कि मापदंड के हिसाब से एक शौचालय नहीं बनवाता है, मापदंड के हिसाब से जांच किया जाए, देखा जाए, नहीं जो मापदंड के हिसाब से बना सुनी दीजिए। शौचालय बनाए? हाँ। ये शौचालय आपका है? हाँ। तो कितना पैसा लगा इसमें? पैसा मिला ब्लॉक से? नहीं। ब्लॉक से पैसा नहीं मिला? नहीं। तो वीडियो साहब के ठीक सामने, ब्लॉक के सामने आपका घर है, वो यहाँ तक नहीं देख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं बेगूसराय के डंडारी प्रखंड की ओर आप लोगों को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में शौचालय निर्माण में धांधली हो रहा है, इतना धांधली आप लोग को समझ में नहीं आएगा। शौचालय निर्माण में जो धांधली हो रहा है उसमें प्रखंड कोऑर्डिनेटर नीलू कुमारी द्वारा जितने भी उपभोग शौचालय निर्माण करवाए हैं उनसे 2000 रुपया का घूस मांगा जाता है। जो आदमी 2000 रुपया नहीं देता है उसका पैसा जो है खाता में नहीं जाता है, जो आदमी 2000 रुपया दे देता है उसका पैसा खाता में चला जाता है 12000 रुपया। प्रखंड कोऑर्डिनेटर नीलू कुमारी द्वारा यह आतंक चला आ रहा है। जब भी इस मांग उठता है तो नीलू कुमारी जो है एक लाइन में बोल देती है कि हमें 2000 रुपया चाहिए तब आपका पैखाना पास होगा। मैं ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, डंडारी पंचायत में, डंडारी प्रखंड के डंडारी पंचायत में 30% वैसे लाभार्थी पैखाना शौचालय निर्माण का है जो कि जिनका पैखाना बना हुआ नहीं है, अधूरा है, वो भी अपना पैसा भुगतान करवा लिए हैं, 2000 रुपया देकर उनका भी भुगतान हो रहा है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ। डंडारी प्रखंड में वीडियो साहब का कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, सारा का सारा दोषी प्रखंड कोऑर्डिनेटर नीलू कुमारी है। शौचालय कब बनवाए? शौचालय तो भए गए 2-3 महीने। पैसा मिल गया होगा? नहीं। नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं वीडियो साहब? कलखानी जो पैसा जाँच में कलखानी कलखानी पैसा हम भेज दे, पैसा अभी तक तो नहीं, 5 रुपया सैकड़ा हम उठा कर बना लिए गरीब दुखिया लोग। 5 रुपये सैकड़ा ब्याज पे लिए हैं? तब पैसा ब्याज पर न लिए। मेरा नाम चुनचुन कुमार पासवान हुआ, मैं 14 नंबर वार्ड का मैं पति हूँ, वार्ड पति हूँ, वार्ड सदस्य हूँ, उनका पति। तो मेरे वार्ड में लगभग 14-15 लैट्रिन ऐसा है, उसका जाँच भी कर लिए है सर, जांच भी कर लिए हैं, और उसके बाद है से 15 जांच भी किए हैं, लगभग मात्र 4 पेमेंट आया है।
और सब कह रहा है कि 4 गो पेमेंट भेज दिए और 10 गो पेमेंट का है। रोज दिन मेरे पास आता है, रोज दिन कहता है कि जब वीडियो साहब से मिले। सर वीडियो साहब से नहीं मिले, वो हड़ताल में थे इसीलिए हमने। आप हैं वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य, पेमेंट नहीं हुआ है, क्यों पेमेंट नहीं हुआ है? क्या नाम है आपका? ये शौचालय आपको पैसा मिल गया? नहीं। क्यों नहीं मिलता है पैसा? हम तो कर्जा ऋण बना को बनाए हैं, तब मिलेगा पैसा, आप देगा तभी मिलेगा। वीडियो साहब से मिले है को बार? नहीं। आपके लिए आपका वार्ड का मेंबर मिला? नंबर तो रोज फोट की फोटो ले जाता है, अथी सब चीज ले जाता है, निठा घर में बैठा। पैसा नहीं मिला? नहीं। मैं आपका उधो पासवान। उधो पासवान जी। शौचालय का पैसा मिल गया जी? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। ये कौन पंचायत है? ये पंचायत तो बांक है। बांक पंचायत। कितना नंबर वार्ड में है? 14 नंबर में। पैसा काहे नहीं मिला अभी तक? अभी तक ये खाली बने भी नहीं किया, पैसा कौन देगा? फोटो कराने वाला आदमी चला गया और जो लिया है ठेकेदार रुपया मार के पार गया। ठेकेदार भी चला गया। वीडियो साहब को नहीं बोले? वीडियो साहब आवे तो नहीं देखे तो नहीं जाए तो देखियो, गरीब तो क्या कोई देखे वाला है? वोट गरीब मुखिया जी के उधर चलिए है, तब आगे हम ही लड़े छे, 2 ढार मारियो का 5 ढार हम ही लड़े छे, हमरे खाए गरीब भगाए दे। गरीब का देख लीजिए, यहाँ का जो शौचालय निर्माण किया गया है उसका बाजाब्ता टंकी भी है, पानी के लिए भी बनाया गया है और ये लैट्रिन है, आप देख सकते हैं इतना अच्छा तरीके से इसको मापदंड के अनुरूप ही रखा गया है, लेकिन इसका भी पेमेंट नहीं होता है। प्लस बहुत का है? कितना आदमी का? कितने थे? 13-14 मिला के 14 में लगभग 50-60 पेमेंट लगा। कितना है? 50-60। 50-60 लोग का इस वार्ड नंबर 14 में। 14 बना हुआ है जी। सब कुछ बढ़िया बना हुआ है? बढ़िया बना जी। अभी हम महादलित एरिया डंडारी ब्लॉक के वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य रामचंद्र सदा से बात कर रहे हैं, इनसे जमीनी हकीकत पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है डंडारी में आपके वार्ड का शौचालय के निर्माण को लेकर। शौचालय हजूर यहाँ लोग बना लिए हैं कर्ज ऋण से, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। लोग हम सब गांव घूमते हैं सर, कहता है हमारा ब्याज बढ़ रहा, हमारा सूद बढ़ रहा है, व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं, हमको रुपया नहीं दिलाते शौचालय, हम सर क्या कर सकते इसमें। वीडियो साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं, आ रहे हैं बदली हो जाते फिर दूसरा भिजवाते, उसको कितना क्या करें सर, समय आते हैं तो यह बदली भी हो जाते हैं दो आदमी का, दूसरा आदमी आता है उसको नया आदमी कितना रफ में बोलिएगा सर। शौचालय जो बना है वो मापदंड में है? सिस्टम में सर। सब सिस्टम में है जी सर। पेमेंट मिलने लायक स्थिति में है जी? एकदम चालू भेल छे सर। मिलना क्यों नहीं मिल रहा है ये बताइए? अब नहीं मिल रहा सर, तो पदाधिकारी लोग नीच में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं जल्दी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। वो तो सभी आदमी रहे प्रशासन से हम मिल जाएंगे, लेकिन मिल कहाँ रहा? कुछ शौचालय देखना चाहेंगे? देखिए सर कहाँ है बताइए। देखिए सर सामने, यहाँ भी पीछे भी बना हुआ है सर।
वो वहाँ कुछ है उसमें बना है, उसमें भी बना हुआ है, ऊपर भी पूरा इधर चलिए सब पूरा बना। ये देखिए बताया जा रहा है कि शौचालय जो है वो मापदंड के हिसाब से नहीं है, इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मापदंड है, क्या स्थिति है। वार्ड सदस्य भी अभी हमने बात करी, हम चाहेंगे कि यहाँ के लगभग लोगों से हमारी बात। और